और हमारे यहाँ तो हर मंत्र का एक लय, हर चीज एक छंद में लिखी गई है। वैदिक गणित के श्लोक भी छंदों में लिखे गए हैं, छंद बोलकर बताया जा सकता है, लिखकर नहीं। जैसा मैंने एक बार पहले भी बोला था, जैसे उदाहरण के लिए आजकल बहुत प्रचलित है शिव तांडव स्त्रोत, अब कभी आप उसमें ध्यान दें तो उसके अंदर जो एक रिदम है कि जटाटवी गलज ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, और आगे डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव हतनोतुना शिवा शिव। अब मैं चुनौती से कहता हूं, कोई डमट 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 निनाद वट डमर वयम लिख के समझा दे। इसलिए मैं कहता हूं उन्होंने, और उनकी तो अभी साइंस अब जाके पहुंची, अब एक नई जो लेटेस्ट थ्योरी आफ्टर हिग्स बोसन आने लगी है, आप सबने सुना होगा स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि सब वेव्स हैं, और पार्टिकल क्या है, जहां पर दो वेव्स का सुपर इंपोजिशन होता है वहां पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी बन जाता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। हमारे यहां तो सदा से कहा गया कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक लय के कारण अस्तित्व में है, इसीलिए डूम की जो हिंदी या संस्कृत या भारतीय भाषा में क्या कहा गया, प्रलय। लय समाप्त हो गई, प्रलय आ गई, लय अस्तित्व में आई तो जगत का अस्तित्व आ गया। इसलिए सृजन भी लय से होता है, और जब तांडव करते हैं शिव तो वो भी लय के साथ करते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स हो या आयुर्वेद के श्लोक हो, सब के सब लय में।